नमस्कार दोस्तों, टूर गाइड के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मनाली के बारे में। जाना आना, रहना खाना और खर्चा कितना आएगा, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो, फैमिली टूर, फ्रेंड्स टूर इत्यादि। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है मनाली की ट्रिप में। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तरी छोर के निकट व्यास नदी की घाटी में स्थित भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की पहाड़ियों का एक महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल है। प्रशासकीय तौर पर मनाली कुल्लू जिले का एक हिस्सा है जिसकी जनसंख्या लगभग 30,000 है। मनाली और उसके आसपास के क्षेत्र भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे सप्तऋषि या सात ऋषियों का घर बताया गया है। तो सबसे पहली जगह है हिडिंबा देवी का मंदिर। हिडिंबा देवी का मंदिर मनाली के दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर की अपनी मान्यता है लेकिन इसके आसपास के प्राकृतिक नजारे भी पर्यटकों का आकर्षित करते हैं। नंबर दो पर आता है कोठी। इस कोठी का सौंदर्य देख पर्यटक यही कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं। आप यहाँ से मनाली के आकर्षक घाटियों का सौंदर्य निहार सकते हैं। फिर नंबर तीन पे आता है रोहतांग पास। इस बर्फीली पहाड़ी को देखकर कोई भी हो यही ठहर जाएगा। इसका आकर्षक अद्वितीय है, जहाँ तक नजर उठाओ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच का स्थल है। यहाँ ट्रेकिंग करना अपने आप में अद्भुत है। नंबर चार, सोलंग घाटी। सोलंग घाटी को ग्लेशियर के लिए अधिक जाना जाता है। यहाँ से आप ग्लेशियरों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ स्कीइंग का अपना अलग ही मजा है। नंबर पाँच, रहाला फॉल। ये एक वाटरफॉल है। रहाला फॉल का आकर्षक दृश्य बेहद लुभावना लगता है। पर्यटक घंटों तक इस झरने के पास बैठकर इसका आनंद लिया करते हैं। नंबर छह, व्यास कुंड। व्यास कुंड व्यास नदी का उद्गम स्थल है जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है। नंबर सात पर आता है मणिकर्ण। पार्वती नदी के दाई ओर स्थित मणिकर्ण अपने गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। यह हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। लोग इस गर्म झरने में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, जो चिकित्सकीय गुण रखने के लिए माना जाता है। और नंबर आठ पर आता है वरिष्ठ। यह गांव व्यास नदी के किनारे स्थित है जो मनाली से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह अपने सल्फर के सोते के लिए मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण ने इस भूमि पे तीर चलाकर इस सोते को बनाया था। यहाँ पुरुष और महिलाओं के लिए स्नान की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आसपास दो मंदिर है जो राम और ऋषि वरिष्ठों को समर्पित है। जहाँ तक बात है यहाँ पर पहुँचने की, तो यहाँ पर बाय प्लेन, बाय रोड या ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो बाय प्लेन, मनाली का निकटतम हवाई अड्डा भुटार है, जिसे कुल्लू मनाली एयरपोर्ट या कुल्लू एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह घरेलू हवाई अड्डा मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से देश के कई राज्यों और शहरों, नई दिल्ली, पठानकोट, धर्मशाला, शिमला और चंडीगढ़ आदि के लिए उड़ानें भरी जाती है। एयरपोर्ट से मनाली तक टैक्सी हायर करके पहुंचा जा सकता है। विदेशों से आने वाले पर्यटक दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से मनाली तक प्लेन या रेल से आए, और ट्रेन का मार्ग मनाली का नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है, जो कि 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से भी पर्यटक मनाली तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम द्वारा मनाली में सैर करने के लिए व मनाली तक पहुंचने के लिए कई बसों को चलाया गया है। राज्य के कई शहर जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पठानकोट और शिमला से मनाली के लिए डीलक्स बसें मिल जाती है। कुल्लू भी कई भारतीय शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक बात है यहाँ ठहरने की, मनाली में कहाँ ठहरे, किस होटल में ठहरे, आपके बजट के अनुसार मनाली में होटलों की व्यवस्था है जिससे आप बिना किसी परेशानी के मनाली घूम सकते हैं। तो मनाली कब जाना चाहिए? उच्च ऊंचाई के कारण मनाली में मौसम वर्ष भर अच्छा रहता है। गर्मियों में मौसम खुशनुमा रहता है, जबकि सर्दियों में मनाली में भयंकर सर्दी होती है। भारी बर्फबारी भी मनाली में हर साल सर्दियों के दौरान होती है, इसलिए पर्यटकों को सर्दियों के मौसम में न आने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस दौरान सड़क खराब हो जाती है और यात्रा करने लायक नहीं रहती। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और पास में बेल आइकन भी होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।